नमस्ते। तो पहले बच्चों आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय समाज और शिक्षा। हमारी क्लास है BSTC फर्स्ट ईयर के लिए और भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमने जो इकाई स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंतर्गत हमारा जो आज का प्रकरण है वो है समाज की अवधारणा। समाज की अवधारणा ये हमने पिछली कक्षा के भी अंतर्गत पढ़ लिया था और समाज की अवधारणा के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि समाज क्या होता है। जिस प्रकार से कण कण से रेगिस्तान बनता है, बूंद बूंद से महासागर बनता है, उसी प्रकार से व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। समाज ही एक ऐसा क्षेत्र है या फिर समाज एक ऐसा हम कह सकते हैं जिसमें रहकर मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य अपने आप विकास करता है, अपना व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने सभी खूबियों का गुणों का विकास करता है। समाज के अंतर्गत ही परिवार आता है और समाज के अंतर्गत ही विद्यालय भी आता है। इसीलिए शिक्षा को हम अलग से नहीं देख सकते, शिक्षा को भी समाज के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। हालांकि समाज बहुत बड़ा होता है, समाज के अंतर्गत अच्छाइयाँ हैं तो समाज के अंतर्गत बुराइयाँ भी विद्यमान है। हर जगह ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को और अधिक दूषित करने पर तुले हुए हैं। कुछ असामाजिक तत्व लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो समाज की जो बुराइयाँ हैं उनको सुधारने के लिए समाज में हम रहकर अनेक कार्य कर सकते हैं और सामाजिक शिक्षा से हम उन बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। समाज से संबंधित मैंने आपको बता दिया था कि समाज के तत्व किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से जो अलगाव की स्थिति पैदा हुई है समाज से, समाज के प्रति लोगों के मन में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं और उन दूरियों को कैसे हम मिटा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक ज्ञान है हम कल मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे समाज से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये जो भी परिभाषा मैं आपको लिखा रही हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको साथ ही साथ में देखना भी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाना है। वीडियो देखते समय अगर आपको यूँ लगे कि क्वालिटी में कुछ फ़र्क आ रहा है या हमको वीडियो सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो आपके वीडियो स्क्रीन पे साइड में राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ तीन डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करके आप क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको आपका वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा, आवाज़ भी सुनाई देगी और साफ जो भी लिखा है आप उसको देख भी सकते हो और साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। तो हमारी जो समाज से संबंधित पहली परिभाषा है वो है ओटावेजी। अब ओटावेजी क्या कहते हैं समाज के अंतर्गत? तो ओटावेजी कहते हैं समाज एक प्रकार का समुदाय अथवा समुदाय का एक अंग है। समाज एक प्रकार का समुदाय अथवा समुदाय का एक अंग। आगे जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ सामान्य उद्देश्य तथा मूल्यों के कारण एकता होती है। सामान्य उद्देश्य मूल्यों के कारण
होती है। मैंने इसको लिखाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ओटा में कि ये जो परिभाषा है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का एक अंग है जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ सामान्य उद्देश्य तथा मूल्यों के कारण एकता होती है। समाज में रहने वाला सभी व्यक्ति समाज का ही अंग है, ठीक है। जो समाज में रहते हैं वो सारे के सारे समाज के सदस्य हैं। तो जो समाज के सदस्य हैं उनको सामाजिक चेतना है, यानी कि समाज से संबंधित सभी चीजों का उनको अच्छे से ज्ञान है कि भाई समाज क्या है। तो उनको सामाजिक चेतना है और यह ज्ञान के साथ साथ में उनको अच्छे से पता है कि जो उन सदस्यों के जो भी उद्देश्य है, जो भी उनके कर्तव्य है, जो भी उनके अधिकार है, उनका कैसे उपयोग करना है और सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, तभी सब सारे सदस्यों में क्या बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। सभी जने आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब हम देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कालीन जूट की।
से बनाए रखता है और आगे बढ़ता है भी उसी प्रकार समाज जीवन समाज के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। यानी कि हमें हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे होते हैं, बच्चे हमारा आगे काम करते हैं। जैसे कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ती है, बच्चों से, माता पिता से, बच्चों से वगैरह, है ना, परिवार के सदस्यों से ही पीढ़ी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार सामाजिक जीवन समाज से ही आगे बढ़ता है, ऐसा कौन कह रहे हैं, यह है हॉन्स के द्वारा दी गई परिभाषा। अब आगे हैं, ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं से हमने क्या समझा, हमने समझा उपयुक्त परिभाषाओं से कि समाज एक ऐसी कड़ी है जो सभी को संजोए रखती है, सभी को एक साथ बनाए रखती है और समाज में रहकर जो मनुष्य है वो अपना विकास भी कर सकता है। बिना समाज के मनुष्य कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अगर तुमने कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है या फिर पशु है, तो ना तो हम देवता है ना ही हम पशु है, हम एक सामान्य मनुष्य है जो कि समाज के साथ में ही बंधा है और समाज के साथ में ही रहेगा। मनुष्य व्यक्ति के जन्म होने से मृत्यु होने तक समाज उसके साथ में बना रहता है और व्यक्ति समाज में ही रहकर अपने सारे के सारे कार्य करता है और अपने कार्यों को अंजाम भी देता है। तो समाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे लिए समाज से वो सिर्फ आपके या मुझसे नहीं चलेगा, समाज हम सबसे मिलकर चलेगा, हम सब एक हो जाएंगे तभी हमारा समाज सही तरीके से कार्य करेगा। हालांकि समाज को सही से कार्य कराना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि समाज के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न समूह के लोग रहते हैं, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज की आवश्यकता एवं महत्व। समाज की अवधारणा हमारा पूरा हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे समाज की आवश्यकता एवं महत्व। समाज की वैसे आवश्यकता महत्व मैंने कुछ कुछ आपको बता दिए हैं कि हमारे लिए किस प्रकार से समाज जरूरी है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने तो रहती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते। उसी से ही संबंधित सारे के सारे जो पॉइंट हम पढ़ेंगे आवश्यकता एक महत्व है वो इसी से ही संबंधित है। इन बिंदुओं को हम पढ़कर हम समाज को और अधिक बारीकी से जान पाएंगे, उसके महत्व को, आवश्यकता को समझ पाएंगे कि समाज सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हम इसके इम्पोर्टेंट देखेंगे पॉइंट को, जिसमें पहला पॉइंट है व्यक्ति की प्रगति एकांगी जीवन निसार होना। पहला पॉइंट है व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति की प्रवृत्ति एकांगी एकांगी जीवन निसार होना, ठीक है। हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाकी के पॉइंट मैं ऊपर बताऊंगी, इसको भी मैं आपको कल समझाऊंगी अच्छे से, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा नहीं जानेंगे, बेसिक से बता देती हूँ कि व्यक्ति की प्रगति किस प्रकार की होती है। व्यक्ति जो है वो ऐसे तो कहेगा कि मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं मैं अकेला रहना चाहता हूँ। क्या वो वास्तव में कभी अकेला रह सकता है? नहीं, व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि हम एक बंद दरवाजे के अंदर अकेले रह रहे हैं, नहीं, हम अकेले रह रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम जहाँ से सामान खरीदते हैं किराना स्टोर का वह व्यक्ति है, पुलिस वाले हैं, सरकार है, तो व्यक्ति अकेला तो है ही नहीं, उसकी मदद करने की
24 घंटे कोई ना कोई लगा ही रहता है। इसीलिए व्यक्ति कभी भी एकांगी जीवन नहीं जी सकता, और यदि वो एकांगी जीवन जिएगा तो वह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा पाएगा जो कि प्रकृति के लिए एकदम गैरकानूनी है। इसीलिए व्यक्ति के लिए हमेशा किसको बनाया गया है, समाज को बनाया गया है, या फिर समाज ने ही हम सभी को बनाया है, अंदर से बाहर से जो भी हम समझते हैं उस प्रकार से, यानी कि मजबूत बनाया है हमको समाज ने। और व्यक्तियों के सबने मिलकर क्या बनाया है, समाज बनाया है। तो समाज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आपको कुछ इसकी लाइनें बता देती हूँ कि व्यक्ति अगर अकेला जिएगा तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, अत्यंत कठिन हो जाएगा। व्यक्ति कभी अकेला खेल सकता है क्या, नहीं खेल सकता। अगर उसको फुटबॉल खेलनी हो क्या वो अकेला खेल सकता है, हाँ कुछ समय तक अकेला खेल लेगा, लेकिन क्या पूरी जिंदगी वो अकेला खेल सकता है, नहीं। व्यक्ति को खेलने कूदने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना, अपना जीवन पूरा जीवन बिताने के लिए हमेशा किसी ना किसी की आवश्यकता होती है। अपने दोस्तों की जरूरत होती है खेलने कूदने के लिए, शिक्षा के लिए उसको अध्यापक की जरूरत होती है, जीवन जीने के लिए उसको जीवन साथी की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है। तो ये सब क्या है, ये सब समाज का ही एक अंग है जो कि व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, समाज में ही रहकर कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो समाज की आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित ये था हमारा आज का पहला पॉइंट। इसको और अधिक से हम अच्छे से समझेंगे अगली क्लास में। मैंने आपको जो भी समझाया, जो भी पढ़ाया, उसको प्लीज नोट डाउन करते जाइए। आपका भविष्य में जब भी टेस्ट होगा इसी से ही संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे।